हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंडियन किचन। और आज हम बनाएंगे आटे का हलवा। और ये प्रसादा बहुत ही स्वाद बनता है और इस गुरुपर्व में आप इसको ज़रूर से बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए, इसे बनाने के लिए हमने लेना है बराबर के 4 इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले 1 कप आटा लिया है, फिर 1 कप चीनी लेंगे, इसी 1 कप माप के हम घी लेंगे, अच्छा घी, और उसी माप का पानी। तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स से हम बहुत ही स्वाद आटा का हलवा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में एकदम लो मीडियम फ्लेम में हम इसको पकाएंगे, और घी सबसे पहले डालना है, उसके अंदर हम डाल देंगे आटा और उसे एकदम स्लो फ्लेम में हम उसे चलाते रहेंगे जब तक एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा एक उसका रंग गोल्डन कलर और बहुत ही सौंधी सौंधी खुशबू आटे की नहीं आने लगती है। तो इसे हम यूं ही चलाते रहेंगे। आप कप के अलावा कोई भी एक कटोरी या जो भी कंटेनर आप लें आटे का, उसी बराबर के माप का चीनी आप लें, उसी बराबर के माप का घी और उसी बराबर के माप का पानी। तो ये चारों बराबर गुरुद्वारे में हमें क्यों इतना स्वाद मिलता है, क्योंकि इसका ये डिपिक्ट करता है कि सब हम बराबर हैं, चाहे वो कोई भी इंसान है, सब बराबर हैं। तो ये जो प्रसादा बनता है वो भी बराबर की ही क्वांटिटी में ये चारों इंग्रेडिएंट्स डालने से इसका जो स्वाद बनता है, आप इसी तरीके से हमेशा बनाएंगे। एक बार अगर आपने इस तरीके से बना दिया तो ये यूं ही चलाते रहेंगे। देखिए, इसका कलर बदल रहा है, एकदम गोल्डन हो रहा है। जब ये बहुत ही सौंधी सौंधी खुशबू देने लगे आटा, तो और उसका रंग इस तरह से गोल्डन हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि पानी हम थोड़ी देर पहले डाल देंगे, क्योंकि पानी में भी इसका रंग थोड़ा सा और होगा गाढ़ा, तो इसलिए थोड़ा सा कम गाढ़ा है, जब जो हम रंग चाहते हैं उससे थोड़ा सा एक लेवल थोड़ा कम आप गाढ़ा जब हो रंग उसका गोल्डन, तो हम उसमें पानी ऐड कर देंगे। तो अब इसका कलर देखिए एकदम गोल्डन हो चुका है, अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो 1 कटोरी हमने चीनी की ली थी, 1 कटोरी हमने घी की, 1 कटोरी आटा और 1 कटोरी पानी। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और तुरंत आटे में पानी एकदम जैसे पी लेता है आटा। तो हमारा देखिए कितना बढ़िया एकदम पानी सोख हो गया है। और अब हम इसमें मिला देंगे चीनी। आपको चीनी अलग से पानी में मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से बनाइएगा। चीनी को गरम आटा में इसमें डालने से ही वो तुरंत घुल जाती है और हमारा जो आटे का हलवा है एकदम बढ़िया तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से इस पर्व में आप बनाइए। और इसमें हमें किसी भी प्रकार की ड्राई फ्रूट्स या कोई भी फ्लेवर डालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो आटे की जो खुशबू होती है घी में जब वो पकता है, तो वही इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट लाता है। तो इसमें हम एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स डाल के उसका टेस्ट नहीं हटाएंगे। आटे का हलवा में आप एक बार कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं और कोई भी प्रकार का फ्लेवर नहीं डाल के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको। तो इस गुरुपर्व में आप इसे ज़रूर से बनाइए और अपने कमेंट्स में इसे शेयर कीजिएगा। देखिए कितना सुंदर हमारा आटे का हलवा तैयार हो गया और अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। Friends, thanks for watching my video. Do take good care of yourself. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.